हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर पेज। एंड आज हम एक ट्रेंड ट्राई करने वाले हैं जो कि है आइसक्रीम रोल्स, वो भी होममेड। तो आज हम बनाएंगे ओरियो न्यूटेला आइसक्रीम रोल्स। तो ये काफ़ी ट्रेंड में था, मैंने सोचा ट्राई करके देखते हैं कि एक्चुअल में घर पे बन सकते हैं आइसक्रीम रोल्स कि नहीं। तो ये मैं ओरियो ले रहा हूँ, दो ओरियोज लिए हैं मैंने। और अब मैं इसके साथ अमूल की फ्रेश क्रीम डालूँगा ताकि कंसिस्टेंसी इसकी ठीक हो जाए। तो ये मैंने एक रेसिपी देखी थी, तो मैं इसका घर पर ट्राई करके देखते हैं कि एक्चुअल में आइसक्रीम रोल्स बन सकते हैं कि नहीं। तो आइए देखते हैं। तो ये अब मैं इस पर न्यूटेला डाल रहा हूँ, थोड़ी सी न्यूटेला डाल दी है मैंने इस पर। और अब हम इसको अच्छे से क्रश कर लेंगे और इसकी एक थिन शीट क्रिएट करनी है ताकि रोल्स अच्छे से बने, से क्रश कर रहा हूँ मैं इसको। भाई ये देखा जाए तो साफ सीधी सी बात है, एक जुगाड़ू रेसिपी है जो कि मैं ट्राई कर रहा हूँ। बना के देखते हैं सही से बनते भी हैं रोल्स के नहीं, क्योंकि अगर बाहर से खाते हैं तो उनकी मतलब उनके पास तो प्रॉपर एक आइस पैन होता है, और ये तो घर पे जुगाड़ ही कर रहे हैं भाई। करके देखते हैं अब इसकी एक जो थिन प्रॉपर थिन शीट होनी चाहिए ताकि रोल्स अच्छे से बने। एक तो गर्मी भी इतनी है, ये बार बार मेल्ट हो रही है। बना के देखते हैं बनते भी हैं सही से रोल्स के नहीं। तो ये मैंने थिन शीट तो इसकी बना दी है। अब इसको कम से कम हम 10 से 15 मिनट तक फ्रीज करेंगे ताकि जो शीट है वो अच्छे से प्रॉपर तरीके से फ्रीज हो जाए। एंड ये प्रॉपर तरीके से फ्रीज हो गई है। अब इसका रोल बना के देखते हैं। तो पहले मैं इस पर थोड़ा हर्षी सिरप डाल रहा हूँ बीच में ताकि टेस्ट और चॉकलेटी हो जाए। तो ये अब हम अपना पहला रोल ट्राई कर रहे हैं। पहला तो भाई सही से बन गया है हमारा रोल, बट छोटा सा है, बट एनी हाउ ट्रायल है। और ये दूसरा टूट गया है क्योंकि ये मेल्ट हो गई थी आइसक्रीम हमारी इसलिए, बट देखो भाई जुगाड़ था, जैसा बना सो बना। ये मैंने अब जुगाड़ करके जैसे न तैसे बना तो लिए हैं रोल्स। अब इसको हम बना लिए तो ट्राई तो करेंगे। अब इसके ऊपर क्रश ओरियोस और न्यूटेला डाल दी है मैंने, तो बन गई है भाई। अब अपने को क्या है, जुगाड़ू रेसिपी थी, आइसक्रीम ही बना के खानी थी, खाओ। टेस्ट में बहुत सही थी, बट अगर इसको अच्छी तरीके से फ्रीज करेंगे तो बहुत सही लगेगी। अब आप फॉलो कर लो फटाफट और ट्राई करके ज़रूर बताना कैसी थी।